कैसे हो आप सब, आई होप क्या आप अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं प्रवीण फिनका और फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी सागर, जो विश्वविद्यालय जो सागर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है उसके बारे में। आपके लिए और विश्वविद्यालय की ओर से बहुत ही गर्व की बात यह कहा जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं और नहीं जानते तो इस वीडियो में अभी जान जाएंगे। यह वीडियो सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बनाया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग मैं बता दूं कि डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी के अगर स्टूडेंट हो तो अवश्य जाना उस डिपार्टमेंट में उस चीज़ को देखने और वीडियो को कंप्लीट देखना। और अगर नहीं हुए हो, भी एडमिशन लेना चाहते हो तो भी हमारा बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जिन्हें ज़रूरत है उन्हें शेयर। जो भी प्रश्न हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, नो डाउट। और अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल पीके फनका या फिर हमारा जो न्यू स्टूडेंट का एडमिशन वाला व्हाट्सअप ग्रुप है तो ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि जो डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी है, जो सागर यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या है, पता है आपको? नहीं पता होगा, पता हो जाएगा। और ऑलरेडी यह न्यूज बहुत ही चल रहा है, बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। तो मैं सोचा कि आप लोग के लिए थोड़ा नॉलेज के लिए बना दूँ इस वीडियो को। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं और नहीं जानते तो जान जाएंगे। इस वीडियो का मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सागर यूनिवर्सिटी है ना, वह ऑक्सीजन प्लांट है उसमें। आपको नहीं पता? पता है, पता हो गया ना कि हमारे सागर यूनिवर्सिटी में ऑक्सीजन प्लांट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर हरि सिंह गौर का फिजिक्स डिपार्टमेंट है, जो ठीक है फिजिक्स डिपार्टमेंट है। फिजिक्स डिपार्टमेंट में आप जाइए, उसको अवश्य देखिए। वो मैं बता दूँ दोस्तों, वह 7 करोड़ की लागत से बनी है, कीमत से बनी है, 7 करोड़ उसकी कीमत से बनी है। उसको अगर NMR की रिपोर्ट की है, ठीक है, NMR एक सर्वे करता है जो कि ऑक्सीजन का है, तो वह रिपोर्ट किया, मतलब कि वह सर्च किया, उसको सर्वे किया, तो सर्वे में पाया गया कि वह तो अभी प्रगति पे है, मतलब वह कार्य कर सकता है। और इस समय देश की हालत तो आपको पता ही है कि कोरोना काल में देश की हालत क्या चल रही है। तो ऑक्सीजन की जहां मारामारी हो रही है, चोरी हो रही है हर जगह से, मतलब कहीं से गोल हो जा रहा है, कहीं भी चोरी हो जा रहा है, उस समय अपना जो यूनिवर्सिटी है, अपना जो कॉलेज है, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, वह ऑक्सीजन देने के लिए तैयार हो चुका है। और आप लोग को, मतलब सागर शहर को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी रेडी हो चुका है। तो आप लोग को मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप लोग विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर इसको शेयर करिए, क्योंकि जो स्टूडेंट नहीं जानता उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे ही विश्वविद्यालय में, हमारे ही सागर जिले में ऑक्सीजन प्लांट है, यूनिवर्सिटी में, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में। वाह गौर, आपको तो मेरा प्रणाम है। और कि मतलब अपने ही विश्वविद्यालय में वो सिस्टम उपलब्ध है और सागर के लोग दूसरी जगह से ऑक्सीजन मंगवा रहे हैं। मगर अब अगर आप यह वीडियो जैसे ही, मतलब सोशल मीडिया पे आएगा या प्रचार पे आएगा, तो आप लोग जैसे ही जानोगे तो आप लोग अवश्य वहाँ जाके और ऑक्सीजन ले पाओगे। अपने रिश्तेदार दोस्तों को अवश्य शेयर करिए अगर आप, मतलब कि नॉलेज लेना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं सच में। तो अगर ये रहा कि आपको ऑक्सीजन हरि सिंह गौर, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है वह दे रहा है फिजिक्स डिपार्टमेंट से, और सागर शहर को फ्री में भी देने का मतलब वो किया है और बहुत जगह वो काम स्टार्ट हो चुका है। तो जब भी मेरे पास टाइम मिलेगा, अगर मुझे यूनिवर्सिटी में अगर एंट्री मिलता है तो मैं आप लोग को, क्योंकि आप लोग न्यू स्टूडेंट हो और आप लोग यूनिवर्सिटी में जा नहीं सकते, तो मैं वहाँ का पुराना छात्र हूँ और मैं फाइनल में हूँ तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। इसी कारण से हो सके तो मैं जाने की प्रयास करूँगा। खैर, यूनिवर्सिटी जाने के लिए आपको पुलिस लाइन होके जाना पड़ेगा, मगर पुलिस लाइन से आपको जाने नहीं दिया जाएगा। मगर कुछ भी करके मैं हो सके तो वहाँ तक जाने की कोशिश करूँगा।
और जहाँ तक हो तो आप लोग की अगर कमेंट हो कि लाइव में मैं बताऊँ तो लाइव में चला के मैं उस प्लांट को दिखाना चाहूँगा, क्योंकि 7 करोड़ की लागत से आई है। और अगर वैसे कहो तो फिर वैसे भी दिखा दूंगा। ये मेरा मकसद रहेगा कि मैं उस प्लांट को अवश्य दिखाऊं, आपके सामने रखूं, क्योंकि जब भी कोई नई स्टूडेंट हो ना तो उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो वह जान पाए। तो आप लोग जान गए कि हमारे सागर विश्वविद्यालय में ऑक्सीजन प्लांट है और वहाँ से भी अच्छे से स्टूडेंट निकल सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिकल भी हो सकता है। तो आप लोग सागर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो चाहे न हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस कर लेना, जिसमें से यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी नई नोटिफिकेशन हो, जो भी कोई सूचना हो, आप तक पहुंच जाए सीधा। और मतलब कि जो ज़रूरत हो, मतलब कि जो प्रश्न हो, जो क्वेश्चन हो, वह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप न्यू स्टूडेंट का भी ज्वाइन नहीं किया है तो जो अभी एडमिशन लेने वाले हैं सेकेंड लॉकडाउन है ना, कि सेकेंड लॉकडाउन के बाद जो एडमिशन लेने वाले हैं वह नीचे अवश्य ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल पीके पंक्या या फिर ये व्हाट्सएप ग्रुप। तो मतलब कि आपको दिक्कत नहीं रहेगा, जो भी नई नोटिफिकेशन होगा सागर यूनिवर्सिटी से संबंधित आपको डाल दिया जाएगा उसमें, क्योंकि मैं अभी फिलहाल तो सागर में उपस्थित हूँ। तो मैं आई होप कि वहाँ तक वीडियो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, वहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ शेयर द वीडियो, वीडियो को जितना हो सके सागर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तक पहुँच जाना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें भी नॉलेज हो, कभी भी एंट्रेंस एग्जाम जब होता है तो पूछ लिया जाता है। तो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में।